बीच लव जिहाद पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। अम्बाला पहुंचे गृह मंत्री ने इस बारे में कहा कि लव जिहाद बहुत गंभीर होता जा रहा है। राज्य के DGP को इसको लेकर आदेश दिए गए हैं। जब से हरियाणा बना है तब से लेकर अब तक वे सभी इस मामले को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्म परिवर्तन करके शादी करवाने के या शादी करके धर्म परिवर्तन कराना ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे सभी मामले सामने अब लाए जाएंगे। बता दें कि हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड को लेकर लोगों के बीच बहुत गुस्सा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीते रविवार को कहा कि लव जिहाद के मामले की जांच को शुरू कर देना चाहिए। खट्टर की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जब एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे तो अब हम क्यों नहीं उठा सकते हैं। बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यानी कि 31 अक्टूबर को एक चुनावी सभा में कहा था कि सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये लोग वेश बदल कर बहनों बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर वे सुधरेंगे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलना शुरू हो जाएगी। CM ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने के लिए अब कार्यवाही करेंगे। भारत में इस वक्त लव जिहाद काफी तेजी से फैल रहा है। बीते दिनों बहुत सी ऐसी खबरें सामने आई है जहां पर लड़कियों की हत्या कर दी जाती है धर्म परिवर्तन के लिए या फिर उनको उकसाया जाता है उनके धर्म को बदलने के लिए।